स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ तो मैथ की बुक निकालो, चैप्टर वन निकाल लिए। हाँ कॉपी भी है ना तुम लोग के पास, उसी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर वन हमारा यूनिट वन में नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं चैप्टर वन लार्जर नंबर। ठीक, लार्जर नंबर है हमारा फर्स्ट, क्या कह रहा है हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर, मींस हम किसी नंबर को कितना फैला सकते हैं, इसका एक्सटेंशन मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना। इसका क्या मतलब होता है? विस्तार करना। किसका विस्तार करना? यहाँ पे किसका विस्तार करोगे तुम बताओ? नंबर। हाँ नंबर का हम विस्तार कैसे करते हैं? देखो, we have extended the numbers up to lakh till now. इसमें क्या बता रहा है कि लाख तक कैसे नंबर जाता है? स्टार्ट करें, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, लिखा है ये हमारा है वन। ठीक, समझ रहे हो? ये हमारा है नाइन, फिर है इधर से स्टार्ट करते हैं, सही रहता ना? Yes, तो कोई बात नहीं, ये हमारा टेन दिख रहा है क्लास। Yes, फिर है हमारा 100, नहीं सॉरी 99। ठीक, फिर क्या है 100, 100, फिर उसके बाद क्या है 99 100। ठीक, 999। यहां तक दिख रहा है? Yes, ma'am. 999 तक हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? फिर है इसी तरह होता है 1000, फिर होता है 9999। इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है यहाँ तक हो गया 9999, फिर है 10000। 10000 में कितने जीरो होंगे बताओ? 10000 में 5, 1, 10, 100, 10000, ये हुआ हमारा। ठीक, फिर उसके बाद है क्या है 9999, ये हो गया। फिर उसके बाद है 10000, क्लियर नहीं हो पा रहा है बोर्ड, रुको बता रहे हैं, ये भी रफ कर दे रहे हैं। चैप्टर वन समझ रहे हो ना? चैप्टर वन कौन सा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो 1, 10, 6, 9 होगा 1, 9, 10। ठीक है, 99 दिख रहा है अब। Yes, 100, फिर उसके बाद 999, फिर 1000, फिर क्या है 9999। गुड, फिर क्या है 10000, फिर उसके बाद 10999 हो गया यहाँ पे। देखो 10000 तक हो गया, फिर उसके बाद है
99,999, ठीक। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, फिर उसके बाद 1,99,999 हो गया, फिर उसके बाद क्या रहेगा, 9,99,999, इतने डिजिट है हमारी। देखो, 1 से हम लोग ने कहाँ तक हम लोग आ गए कि 9,99,999 पे आ गए। देखो, हम लोग 1 से यहाँ तक आए हैं, हम लोग ने नंबर का क्या किया है, नंबर का हम लोग ने क्या किया, मतलब नंबर को हम लोग ने कैसे फैलाया है, ठीक, मतलब समझ गए, किसी चीज नंबर को फैलाना ही, यहाँ तक आना, हम यहाँ 1 से यहाँ तक आए, इसका मतलब ये एक्सटेंशन होता है, मतलब फैलाव होता है, ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 7 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, ये आप लोग जानते हो। फिर है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू हमारी क्या रहती है, पहले देखो, 1 इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये है हमारा, ठीक, क्या होता है, फिर क्या होता है, थाउजेंड, फिर क्या होता है, 1, ये होता है, ठीक। यस मैम, इसके अंदर क्या होता है, इतना तो आप लोग जानते हो, लाख होता है, यस मैम, इस लाख के अंदर भी, अब इसके अंदर भी ये क्या होता है हमारा, पीरियड्स होता है, ये होता है प्लेस। प्लेस हमारा क्या क्या होता है, 1 के अंदर क्या आता है, 1 के अंदर आता है 1000, लाख, 1 के अंदर आता है हम लोग का 100,000, 1000 और 10,000, नहीं, 1000, 100, ठीक, ये होता है, नहीं, 1, 10, 100, ये होता है ना, यस मैम, क्लास, 1, 10, 100, ये हो गया, यस मैम, समझ में आ रहा है, क्या नाम है हर, यस मैम, देखो 1 के अंदर होगा 1, 10, 100, ठीक, 1000 के अंदर क्या होता है, 1000, 10,000 के अंदर होता है 1000 और 10,000, ठीक, 1000 के अंदर होता है 1000 और 10,000, 1000, 10,000, हाँ, लाख के अंदर क्या होता है बताओ, लाख, लाख, 10 लाख, लाख और 10, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, समझ गए, मतलब 1 के अंदर होता है 1, 10, 100, 1000 के अंदर होता है 1000, 10, 100, 10,000, लाख के अंदर होता है लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, हाँ, क्लियर हुआ, यस मैम, यस मैम। तो एक नंबर है 9, 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
क्या ऐड करना है? देखो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, लैख तक है वैल्यू हमारी। अब हमें इसको ऐड करना है, ठीक। ऐड करो, अब क्या होगा? नाइन और वन को ऐड करेंगे क्या होगा हमारा, बताओ? टेन। टेन, टेन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। वन कैरी हुआ, नाइन में वन को ऐड करेंगे क्या होगा? टेन। टेन हुआ, टेन का जीरो, वन कैरी हुआ, फिर नाइन को वन ऐड करेंगे, टेन। टेन में फिर क्या हुआ? टेन। टेन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हुआ, नाइन और वन, टेन। टेन। ये हमारा क्या हो जाएगा? टेन लाख। ये हमारा क्या हुआ? टेन लाख। ठीक,
क्लियर हो गया इतने से? यस मैम। अच्छी बात है, समझ में आया ना? वंस के अंदर क्या होगा? थाउजेंड और लैक्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या है देखो, ये है हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू है, इसी तरह इंटरनेशनल वैल्यू भी होती है। एग्जांपल कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे हर्ष? यस मैम। कर लोगे ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बस इसमें लिखना 10 लाख क्या है, 1 लाख क्या है, यही करना है इसमें, ठीक है? एग्जांपल देख लो। फिर उसके बाद है इसमें एक्सरसाइज 1 में दिया है कि पुट कॉमा टू शो दैट इंडियन पीरियड, मतलब कि कॉमा लगाना है, जो नंबर दिया गया है उसमें कॉमा लगाना है, ठीक है? कर लो मैम। कुछ बताने वाला इसमें क्या? बताओ। नो मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं है ना? एक्सरसाइज 1-8 कर लेना, ठीक है? इसमें सिर्फ कॉमा लगाना है, नंबर बताना है, ठीक? नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है? हाँ बताओ, पूछो। मैम लाइक द नंबरलेस इंडियन सिस्टम पे करना 8 वाला। वो नंबर बोलो, किस नंबर पे है? 8। हाँ, इसमें क्या करना है, एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। 8 वाला पूछ रहे हो ना, ये वाला, ये पूछ रहे हो, क्या करना है इसमें? राइट इन न्यूमरल, मतलब इंडियन सिस्टम जो है हमारा, ठीक, इसमें लिखना है। देखो क्या एक्सरसाइज में दिया है, एक हम बता रहे हैं, फर्स्ट वाली बताएं। यस मैम। 18,46,800 30, ये है, देखो लिखा है 18,46,830, ये लिखा है, ये हमारा है, नेम्स में दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर में, नंबर में कन्वर्ट करना, ये क्या है हमारा, ये नेम्स है, नेम्स है, और हम लोग नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 18,46,830, ये हमारा हो गया नंबर, क्लियर? क्या चीज बताओ? एक्सरसाइज करना है। हाँ, पूरी एक्सरसाइज करना है। 8 वाले का पहला वाला एग्जांपल मैंने बता दिया एक्सरसाइज, ठीक है? को दिया गया है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना इसमें, क्लियर? यस मैम। इसी तरह 9-10 भी है, नेम्स में दिया है, कन्वर्ट कर लेना है तुम लोग को नंबर में, ठीक है? कॉपी में करना है। हाँ, कॉपी में सब करना है, क्लियर? यस मैम। कुछ हो गया एक्सरसाइज तुम्हारी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा देखो, पेज नंबर 12 पे आओ, 12 है पेज नंबर, बाकी जो पीछे की एक्सरसाइज है वो सब नंबर है, कर लेना, ठीक है? 1.3, 1.2 भी। हाँ, 1.2, 1.3 दोनों कर लेना। यस मैम। ठीक, 1.1 में नंबर है, तुम लोग को नंबर लिखना है, कॉमा लगाना है, प्लेस वैल्यू बतानी है, जो आप लोग जानते हो, पहले पढ़ चुके हो, ठीक? एक्सरसाइज 1.2 में क्या करना है, कॉमा लगाना है, लैक का है, थाउजेंड हंड्रेड में के बाद कॉमा लगता है कि नहीं लगता है, तो तुम लोग को
कॉमा लगाना है. एक्सरसाइज 1.2 भी हो गई. इंटरनेशनल पूछो मैम. इंटरनेशनल में क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल वैल्यू ये पूछ रहे हो? यस यस मैम. इंटरनेशनल वैल्यू हाँ. क्या पेज नंबर 6 पे जो है उसमें बस क्या है इंटरनेशनल वैल्यू में क्या है हम बता दे रहे हैं. इंडियन वैल्यू समझ गए? पहले बताओ इंडियन वैल्यू में 100 था, 1000 था, लाख था, ठीक. इंटरनेशनल वैल्यू में क्या है प्लेस वैल्यू में? मैम वो 1 से पूरा सेम रहता है क्या मैम? इंटरनेशनल 10,000 तक नहीं, 10,000 तक नहीं रहता है प्लेस वैल्यू. इसमें क्या करना है देखो, हमारा वंस पहले रहता है ठीक, उसके बाद क्या रहता है 1000 yes, ma'am. फिर उसके बाद इंटरनेशनल वैल्यू में लाख था ना, 1000 लाख था ना. अच्छा मैम सुनो, क्लियर करने दो पहले. लाख था इंडियन वैल्यू में, इंटरनेशनल वैल्यू में होगा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा मिलियन. डिफरेंस सिर्फ यही है कि लाख वहां था, यहाँ पे हो जाएगा मिलियन. समझ में आया? million. हाँ, इंटरनेशनल वैल्यू में क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिलियन. ठीक, अब वंस के अंदर क्या क्या आएगा देखो. इसमें आता है 1, फिर आएगा 10, फिर आएगा 100. थाउजेंड में क्या आएगा बताओ आप तुम लोग? थाउजेंड में क्या आएगा मैम? 1000 वंस में 100 हो गया. थाउजेंड में क्या होगा बताओ? थाउजेंड में आएगा मैम 1000 10,000 100,000 फिर आएगा 10,000 फिर आएगा 100,000 100,000 ठीक क्लियर. मिलियन में क्या आएगा? 1000 मिलियन में क्या आएगा? 1 million मिलियन. मिलियंस में क्या आएगा? 10 million और 100 million. मिलियंस में आएगा 10 million, 100 million, 10 million. क्लियर? अब क्लियर हो गया इंडियन वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू क्या है? क्लियर हुआ? इंडियन वैल्यू में यहाँ पे लाख होता है और इंटरनेशनल वैल्यू में यहाँ पे मिलियन होता है. डिफरेंस समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम. गुड. फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा? देखो इतना हो गया इंडियन वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू दोनों हो गई. 1 point. अब एक्सरसाइज कर लोगे? यस मैम. हाँ हो जाएगी, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है. ये तुम लोग जानते ही हो लार्जर वैल्यू, ये ग्रेटर देन लेस देन भी जानते हो, जानते हो ना? जो वैल्यू अधिक होती बड़ी होती है वो ग्रेटर देन, और जो छोटी होती है वो लेस देन होगा ठीक. यही करना है तुम लोग में. अब हम बताए चल रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? रोमन नंबर. रोमन नंबर जानते हो? और भी करना है? यस मैम जानते हैं. हाँ 1.4 भी करना है. 1.4 में कॉमा लगाना है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में सर्कल करना है. 5 digit जो है, 5 जो नंबर आया है उस पे. हाँ फिर उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन लेस देन है वो करना है आप लोगों को. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो कर लोगे ठीक. फिर फिलिंग द ब्लैंक से 10 lakh है उसको चेंज करोगे 1 million में. चेंज करते हो ना मीटर से सेंटीमीटर, किए हो कि नहीं किए हो बताओ पहले. तो वही करना है ठीक है. 1 billion है, 100 crore हो जाएगा, यही करना है. रोमन नंबर जानते हो? रोमन नंबर होता है 1 है तो 1, 2 है तो 2. ये हमारा क्या है? रोमन नंबर है. यस मैम रोमन नंबर है. यस मैम. अब यहाँ 10 हो तो क्या हो जाएगा एक्स? बताओ सर. 1 x 10 हो जाएगा. x जो होता हमारा वो 10 हो जाएगा ठीक. फिर उसके बाद है अगर फिर रहे 20,
तो क्या होगा डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स थर्टी ट्रिपल एक्स थर्टी से ट्रिपल एक्स यस होता है कि नहीं होता है ठीक। फिर उसके बाद 50 क्या होगा बताओ एल 50 हो जाएगा हमारा एल एल 100 सी सी 200 डबल सी थ्री हंड्रेड बताओ ट्रिपल सी। इसी तरह क्या होता है हमारा मिलियन डबल एम डबल एम ट्रिपल एम ठीक क्लियर हुआ यस मैम। इसमें अब रोमन में बताना है ये हो जाता है क्लियर हुआ इतना चीज यस मैम क्लियर हो गया यस मैम। निकिता निकिता आ रहा है समझ में फिर उसके बाद कह रहा है लिखा है यहाँ पे अच्छा बताओ यहाँ लिखाओ फोर इसको हम लोग क्या yes, लिखेंगे बताओ कैसे लिखेंगे फोर को सर फोर मैम फोर मैम फोर हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है आई कैन बी सब्ट्रैक्ट ओनली फ्रॉम फिफ्थ एंड टेन एंड ओनली वन ठीक। इसमें कहा जा रहा है कि फाइव में से सब्ट्रैक्ट करना और टेन में से सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना है माइनस करना है ठीक। फोर्थ है इसमें हमें फाइव से माइनस करेंगे कि टेन से बताओ फाइव से फाइव से क्योंकि फाइव से यहाँ पे कम है तो फाइव से हम लोग ने जब माइनस करेंगे वन तो यहाँ पे आ गया फोर। इसी तरह नाइन है अब बताओ माइनस किससे करेंगे फाइव से कि टेन से हाँ नाइन है तो हम लोग नाइन लाने के लिए फाइव से माइनस करेंगे कि टेन से टेन टेन से क्योंकि फाइव से ये नंबर ज्यादा है तो टेन से हम लोग ने जब माइनस किया हमारा क्या आ गया नाइन क्लियर मैम। बस अब सारा एक्सरसाइज इसी तरह देखो आप लोगों को रोमन नंबर दिया गया है ठीक है इसको पढ़ लेना क्लियर चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर ठीक है। हाँ 1.5 तक है ना एक्सरसाइज आप लोगों की चैप्टर वन में 1.5 तक एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज आप लोग करोगे कोई कंफ्यूजन होगा तब पूछना ठीक है। हम यहाँ पे और क्लियर कर दे रहे हैं तुम लोग का रोमन वाला यहाँ पे दिया है सी सी एक्स दिया है सी सी टू हंड्रेड टेन कैसे यहाँ पे क्या है ये बताओ टू हंड्रेड टेन कैसे कहे तुम टू हंड्रेड टेन सही है टू हंड्रेड टेन है कैसे है क्योंकि बताओ टेन का मतलब होता है ये एक्स का मतलब है टेन एक सी का मतलब होता है हंड्रेड और डबल सी का मतलब होता है 200 और डबल सी हुआ तो ये हो गया हमारा 200 तो हम अब इसको ऐड करते तो हमारा क्या हो जाएगा 210 क्लियर हुआ समझ में आया हाँ बताओ क्लियर हुआ यस मैम यस मैम। अच्छा अब तुम लोग बताओ लिखा है सी एम L X 5 2 ये है ठीक। हमें से नंबर में कन्वर्ट करना है ये बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा मैम 100 100 बताओ क्या होगा
नहीं पता नंबर टेन 450 450 बोलो 450 और मैम आगे बताओ 450 क्या हो जाएगा 7 457 क्या ये सही है बताओ yes, ये सही है ये सही बताया कि गलत बताया बताओ ये तुम ये जो बताए हो गलत बताए हो ये गलत है ये हो जाएगा 967 ये होगा हमारा क्या 967 कैसे होगा CM का मतलब होता है C प्लस M का मतलब होता है 900 होता है क्लियर है L का मतलब क्या होता है L का मतलब क्या होता है बताओ 50 X का मतलब 10 और ये क्या हमारा 7 अब हम इसको ऐड करते हैं 900 है ये हमारा क्लियर है ये 900 है L 50 है X 10 है 50 और 10 को ऐड करते तो हमारा क्या ये टोटल बना ये हमारा क्या हुआ 60 हुआ 60 हुआ ये 7 है अब हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 967 क्लियर हुआ ये चीज यस मैम और यस मैम रिशिता निकिता क्लियर हुआ ना यस मैम एक्सरसाइज एक और देखते हैं आके तुम लोग बताओगे ठीक लिखा है डी सी टी एल एक्स एक्स वन एक्स एक अब ये बताओ क्या है ये कौन सा नंबर है क्या लिखा है मैम 799 क्या ये सही है yes, सही बताओ कि गलत ये सही है कैसे हुआ बताओ आप बताओ कैसे हुआ मैम डी का मतलब 500 डी का मतलब होता है 500 डबल सी का मतलब हो गया 200 एल का मतलब हो गया 50 इसका क्या मतलब हो गया डबल एक्स का 20 20 होगा बताओ क्या होगा नो मैम डबल इसका मतलब हो गया 20 एल का मतलब 50 हुआ डबल एक्स का मतलब क्या होगा 20 मतलब 10 हमारा क्या हो गया 20 और ये हमारा क्या है 9 तो डी हमारा 500 और डबल सी 200 तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारा 700 हुआ 700 हुआ ये 50 है 50 और 20 ऐड करेंगे तो क्या हुआ हमारा 70 और 9 जब ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 9 हुआ यस मैम हो गया यस मैम मैम तो ये हमारा क्या हो गया 799 हुआ कि नहीं हुआ यस बताओ हुआ कि नहीं हुआ है मैम इसमें 779 आ रहा और मैम इसमें 799 आ रहा वही देख रहे चेक कर रहे हैं तुम लोग को कि सही बता रहे गलत ये गलत है समझे इसका ये मतलब है देखो
डीसीसी का मतलब होता है 700। यस मैम। एलएक्स का क्या मतलब होगा? एल डबल एक्स का मतलब हो गया 70। इसका मतलब हो गया 9। अब क्लियर हुआ? नाइन। वैसे प्रोसेस में जाओगे तो वैसे प्रोसेस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी डबल सी एल डबल एक्स और 9 है। यहाँ पे 10 डिजिट लेके चलेंगे हम लोग, ठीक। अब इसको ऐड करते, 779 आएगा कि नहीं आएगा? मैम आएगा। क्लियर हुआ आप? यस मैम। क्लियर हो गया? कोई डाउट अब? अब बताओ, अब कोई रोमन नंबर में कोई डाउट नहीं ना? नो मैम। क्लियर हो गया? तो 1 to 1.5 तक एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और दूसरी चीज, एक्सरसाइज आप लोग करके होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है? सेंड करो जिससे हम चेक कर लें, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।